Hey, what's up guys? I'm Shrut Patel. I'm back with a new video और आज हम बात करेंगे यहाँ पर Yes Bank के बारे में। तो आज यहाँ पर हम देख सकते हैं Yes Bank में बढ़त तो रही, बट इसे हम बढ़त तो नहीं कह सकते बिकॉज कंप्लीट कंसोलिडेशन रहा है यहाँ पर स्टॉक में। नो प्रॉपर मूवमेंट पॉइंट ऑलमोस्ट देख सकते हैं आप कितना बड़ा है इसमें। इतने पॉइंट्स की बढ़त हम इसे बढ़त नहीं कह सकते, ये सिर्फ कंसोलिडेशन ही माना जाएगा। इसलिए मैंने बहुत जनों को कहा है कि अवॉइड इंट्राडे यस बैंक में। आपको मैंने कहा था पिछले वीडियोस में, मुझे बहुत से लोग बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर आपके चैनल पे इसलिए आते हैं ताकि आप हमें टारगेट्स दे सके, ये दे सके वो दे सके। तो मैंने बताया कि मैंने टारगेट नहीं दिया, मैंने ये बात बताई कि यहाँ पर मूवमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें इंट्राडे करते हो और यू बाय एट दिस पॉइंट। अब फॉर एग्जाम्पल एक रुपये का टारगेट लगाया 24.35, ये 24.70 के यहाँ पर ऑलमोस्ट इसने हाई बनाया 24.96 का। ये ऑलमोस्ट आपका टारगेट भी हिट नहीं कर रहा है इसके पूरे पूरे लॉन्गेस्ट मूवमेंट में। लॉन्गेस्ट मूवमेंट में भी आपका टारगेट हिट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने सेल कर दिया तो भी आप यहाँ पर स्टॉप लॉस पकड़ के आगे चलते जाओगे, दिन ट्रेडिंग का दिन खत्म हो जाएगा आपका, ना स्टॉप लॉस हिट होगा ना आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप इसमें इंट्राडे कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल इसमें बाय किया तो बाय में भी यहाँ पर आपको ना प्रॉपर प्रॉफिट होगा, आपको बस थोड़ा सा जो भी प्रॉफिट होगा वो निकल के बाहर निकलना पड़ेगा एंड दैट इज़ नॉट इवन वैलिड। कभी कभी एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा जहाँ पे ब्रोकरेज इस प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको वो यहाँ पर बात ध्यान में रखनी है कि आप कर अननेसेसरी का ट्रेड नहीं लेना, अननेसेसरी का ट्रेड, ये बात अंडरलाइन कर लो। फॉर एग्जांपल आपने इस दिन पे ये यहाँ पर ट्रेड किया तो शायद आपको मूव भी मिल गई, आपने बाय भी कर लिया, तो ऐसे दिन भी आते हैं बट मोस्ट प्रोबेबली मैंने अवॉइड करने को कहा था तब अवॉइड ही करो। मैं यहाँ पर आगे की बात करते हैं, टारगेट्स की बात करते हैं कि यहाँ पर यस बैंक में हो क्या रहा है और एक्चुअली में आगे क्या हो सकता है। तो वेल यहाँ पर हम देखें तो प्रॉपर स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है और थोड़ा फार निफ्टी भी अगर यहाँ पर देखा तो निफ्टी आज थोड़ा सा बढ़ा है। थोड़ा सा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही बढ़ा है। अगर हम यहाँ पर फॉरेन मार्केट्स देखें तो फॉरेन मार्केट यहाँ पर डाउन में चल रहा है। अगर S&P 500 देखी तो ऑब्वियसली S&P 500 बढ़ा है, आज ऊपर ग्रीन में है, बट फिर भी इट्स नॉट अ प्रॉपर मूव। अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम बाकी है S&P में भी, S&P 500 के में भी, तो भी यहाँ पर मुझे प्रॉपर मूवमेंट नहीं नज़र आती। यहाँ पे स्टॉक यहाँ पर ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आता। अगर निफ्टी भी देखे तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर निफ्टी और गिर सकता है। 20 तारीख को यहाँ पर बहुत से ऑफिस खुलेंगे, IT सेक्टर्स खुलेंगे, इस उम्मीद से निफ्टी ऊपर जा रहा है, इसी उम्मीद से निफ्टी ऊपर जा रहा है। बट यहाँ अगर हम एक्चुअल में जो चीज़ देखें जिसके ऊपर जैसे लॉकडाउन बना हुआ है, जो कोरोना वायरस है, अगर हम उसके केसेस को देखें, आप बोलोगे कि इसका इस बैंक से क्या तारीख है, ताल्लुक बिल्कुल है। अगर हम देखें तो ये कर्व बिल्कुल भी फ्लैट नहीं हो रहा, ये बढ़ते ही जा रहा है। ऑब्वियसली थोड़ा सा कम हुआ है, आगे जाने वाले दिनों में कैसा होगा हमें कोई पता नहीं, बट 12,849 केसेस हो चुके हैं हमने। आप देख सकते हैं लॉकडाउन काफ़ी पहले लगाया था जहाँ पे काफ़ी कम केसेस थे, 300 थे कुछ शायद या और कम थे, तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं 12,800 हो गए हैं। एक्टिव केसेस भी यहाँ पर अब ट्रीटमेंट ऑनगोइंग 10,825 पे हो चुकी है और केसेस एज पर यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री इतने 12,759 हो चुके हैं। तो आपको लगता है क्या यहाँ पर May 3 तक भी यहाँ पर लॉकडाउन खुलेगा? खुल सकता है, मे बी 20 को बोल रहे हैं कि ऑफिस चालू हो जाएंगे, बाकी कुछ चीज़ें चालू हो जाएंगी, वेल वो भी अच्छी बात है, बट यहाँ पर जब तक प्रॉपर लॉकडाउन नहीं खुलता, प्रॉपर बिजनेसेस चालू नहीं हो जाते, यहाँ पर ये निफ्टी की जो बढ़त है ये मुझे नहीं लगता कि ये वैलिड बढ़त है, ये प्रॉपरली इनवैलिड बढ़त है। आई डोंट एग्री विद दिस कंप्लीट, ये जो ऊपर आया है आई डोंट एग्री विद दिस। यहाँ पर ये जो फालतू में बढ़त की गई है उसका कोई यहाँ पर यूज़ नहीं है, आपको इसमें फंसना नहीं है, ये एक ट्रैप है, आप इस ट्रैप में मत फंसना। उसके बाद यस बैंक की बात करते हैं प्रॉपरली, तो यहाँ पर भी ऐसे ही सिचुएशन आ सकती है। यहाँ पर अगर देखा जाए, हमने इसे वन डे के चार्ट पे देखा जाता है तो आपको
कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर. वेल ओके, तो अभी प्रॉपरली चार्ट्स दिख रहे हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने यहाँ पर पहली बार ऊपर जाना रिजेक्ट किया. आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली आ नहीं रहा है यहाँ पर अभी. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने पहली बार ऊपर जाना रिजेक्ट किया यहाँ पर. उसके बाद आप देख सकते हैं इसने वापस ऊपर जाना ट्राई किया. ग्रीन कैंडल है बट फिर भी ये रिजेक्शन है. यहाँ पर भी ये रिजेक्शन है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है. इसके बाद भी आप देख सकते हैं काफी बड़ा विक बना है. उसके बाद भी ये नीचे आया, ग्रीन कैंडल होगी फिर भी ये रिजेक्शन है. यहाँ पर भी आज ग्रीन में है बट फिर भी ना ही इसने इसके हाई को तोड़ा है, ना यहाँ के हाई को तोड़ा है, और इसके हाई को तो ये तोड़ बात ही नहीं करते इसकी. तो आप देख लो जब यहाँ पर ऊपर ऐसे प्रॉपर रिजेक्शन आते हैं उसका मतलब समझ जाओ कि स्टॉक यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट नहीं जा पा रहा है. आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे जाने की भी कोशिश हो रही है, नीचे भी यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है, ऊपर भी यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है, इसलिए स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है. बट अगर यहाँ पर निफ्टी अगर आने वाले दिनों में गिर जाता है तो हमें स्टॉक ऑब्वियसली 22, 21 और 20 इन तीन पोजिशंस में कहीं नजर आ सकता है. अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये फैक्ट है. अगर निफ्टी और गिर जाता है, बाजार और नीचे गिर जाता है, तो हमें यहाँ पर और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं ऑब्वियसली. इसलिए निफ्टी के ऊपर, डो जोन्स के ऊपर, S&P 500 के ऊपर, इन और कोरोना वायरस के केसेस के ऊपर काफ़ी आपको क्लोजली ध्यान रखना है अगर आपको इस चीज़ को एनालाइज करना हो तो. स्टॉक मार्केट बस ऐसे कैंडल्स देख के नहीं किया जाता, आपको बाकी की चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना है. फंडामेंटल स्टडी एंड डेटा स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द स्टॉक मार्केट इफ यू वॉन्ट टू अर्न मनी. न्यूज के ऊपर भी ध्यान देना है, न्यूज क्या आ रही है, प्राइम मिनिस्टर क्या करे 8-9 बजे आके, उसके ऊपर भी ध्यान रखना है क्योंकि उसका डायरेक्टली अफेक्ट आपकी अपनी इकोनॉमी पे और स्टॉक मार्केट पे पड़ता है. और डेली जब स्टॉक मार्केट ओपन होता है वहां पे हमें उसके रिजल्ट्स नजर आ जाते हैं. इसलिए जब भी कोई चीज होती है हमें उसके रिजल्ट्स पहले ही भापने आने चाहिए, अगर आपको इंट्राडे करना है तो, लॉन्ग टर्म भी करना है तो. इसलिए मैं कहता हूं कि अगर यहाँ पर S&P 500 का बुरा हाल रहा जो कि मुझे दिख रहा है आने वाले दिनों में आ रहा है नीचे आते हुआ, निफ्टी भी मुझे नीचे आते हुए नजर आ रहा है, शायद ये आ सकता है, और उसके साथ यस बैंक भी नीचे आएगा. यहाँ पर वनडे पे ये प्रॉपर वर्क नहीं करता तो 1 आवर पे कर देते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर यस बैंक भी नीचे आते हुए नजर आ रहा है. और कितना नीचे, ऑलमोस्ट यहाँ तक 20, 22, 20 इस पॉइंट के यहाँ तक येस बैंक और नीचे आ सकता है. और आप देख सकते हैं ये हिस्ट्री रही है कि जब भी ऐसी काफ़ी बड़ी कंसोलिडेशन आई है तब एक बड़ी मूव तो अपसाइड जैसी न्यूज़ रहेगी या तो डाउनसाइड जैसी न्यूज़ रहेगी. इसलिए उस चीज़ के ऊपर काफ़ी ध्यान रखो कि एक बड़ी मूव आपका पूरा कैपिटल वैनिश ना कर दे, एक बड़ी मूव. इसलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा क्योंकि कैसा रहता है When a stock consolidates, वो एक बलून की तरह रह रहा है, बलून में जिसमें आप हवा भरते जा रहे हो वो फूलता जा रहा है और एक ही बार में वो जब फट जाता है तब एक काफ़ी बड़ी मूव आती है. इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये है इसका एग्जांपल. आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर कंसोलिडेशन रही, उसके बाद एक ही बार में फटाक से ये दो तीन ये काफ़ी वो उभर गया, काफ़ी उड़ गया. आप देख सकते हैं यहाँ पर कंसोलिडेशन रहा था कुछ दिनों से और एक ही बार में ये ऊपर चला गया. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्लोली स्लोली नीचे आया और अभी वापस कंसोलिडेट कर रहा है. वैसी ही चीज़ मुझे यहाँ पर वापस रिपीट होते हुए नज़र आ रही है, एक बड़ी मूव यहाँ पर यस बैंक में आने वाली है. और ये मैं आज नहीं, काफ़ी टाइम पहले भी कह चुका हूँ, काफ़ी बार कह चुका हूँ. जब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कंसोलिडेशन एंड बड़ी मूव, कंसोलिडेशन हिस्ट्री में है, स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में कि काफ़ी स्टॉक कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ पर हमें एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कंसोलिडेट किया है, यहाँ पर भी किया है और बड़ी मूव यहाँ पर आ सकती है. इसलिए ट्रेड करना है, जो भी ट्रेड किया है, बाय किया है तो स्टॉप लॉस लगाओ, सेल किया है तो भी स्टॉप लॉस लगाओ, वरना एक मूव में सारा कैपिटल
यू गायब हो जाएगा, सब रोते मत निकले। वेल फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।